इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो उस पार्टी और पिता दल को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दल पुत्र समझ रहा है और बाप को। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। शामिल होते ही उन्होंने आरजेडी पर गंभीर आरोप लगा दिया है। यह कह दिया कि आरजेडी जो है वो समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन गया है। इस तरह की बातें उन्होंने कही और उसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जब बोल रहे थे तो उन्होंने भी जगदानंद सिंह पर निशाना साधा है और शायद कहीं ना कहीं यह भी कहा है, ये कहा जाए तो आमंत्रित भी कर दिया है कि शायद उनका स्वाभिमान जागे जिस तरीके से उनके छोटे बेटे ने जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए और जो उन्होंने कहा कि उनके पिता को हर प्रतिदिन जलील होना पड़ता है, इस वजह से हम यहाँ शामिल हुए हैं, तो शायद जगदानंद सिंह का स्वाभिमान जागे और वो भी शायद उस पार्टी को छोड़कर कहीं और ज्वाइन करें। लेकिन देखिए कि जिस तरीके से उन्होंने पार्टी छोड़ी और उसके बाद जो ज्वाइन किया और आरोप लगाया, इन सब तमाम कयासों के बीच अब क्या ये बड़ा सवाल हो गया है कि जिस तरीके से ललन सिंह ने कहा है जगदानंद सिंह को, तो क्या इसको लेकर जगदानंद सिंह बयान देंगे आरजेडी से या इसका कोई और बचाव करेगा या डिफेंड करेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन क्या कुछ करें ललन सिंह जरा सुनो। उस काम को आगे जाने ऐसे लोगों की कमी है जो समर्पित भाव से गांव में जाकर काम करने का काम। उसके बाद एक और बात, हम सब लोग जगता नहीं हूं, हम सब लोग जो स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी और उनके साथ काम करके आज तक ध्यान दिलाई, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में एक सपना और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जाने जाते थे गरीबों शोषितों पीड़ितों की आवाज के रूप में, उनकी पहचान थी पूरे देश में और पूरे बिहार में। इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि उनके पिता लोग अपमानित हो गए उस पार्टी और पिता दल को नहीं समझ रहे हैं, पिता का दल पुत्र समझ रहा है और बाप को पुत्र समझ रहा है। कभी कभी हमको आश्चर्य होता जगता भाई, हम सब लोग युवा लोकदल की राजनीति में एक साथ काम किया, जन स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जीवित थे तो उस समय जो युवा लोकदल था उसका युवा संगठन था लोकदल का, उसमें हम सब लोग हम लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने और को सिखाया हो या सिखाया नहीं सिखाया, लेकिन जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सिखाया कि कभी भी सम्मान और आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता हो। कहने का किस बात के लिए हम पानी होके भी मार पड़े हुए हैं, कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं, लेकिन क्या उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है गूगल का कुछ तकाजा हो गया हो, अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं, गूगल के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जा रहा है, लेकिन अजीत जी का सम्मान आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और हुआ है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के काम को भी जो धुरे काम है उसी को भी नीति सुमार जाने पड़ा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने क्या सोचा, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने सोचा था सामाजिक समरसता, समाज में समरसता कायम करने का भाव, और सरकार मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी उसी काम का आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर न्याय के साथ विकास का जो उनका नारा है वो और है क्या, न्याय के साथ विकास नारा वही।